Morning to all. This is Amazing Science Class 4, Chapter 3. The last portion of this chapter is Extinct Animal, means Vilupt Janwar. The animals which lived in the past but are not present today are called extinct animal. वे जानवर जो पूर्व में थे लेकिन आज वर्तमान में नहीं हैं, उन्हें हम विलुप्त जानवर कहते हैं. पूर्व means पहले थे, पहले तो हुआ करते थे, आज नहीं हैं वे. For example, millions of year ago the dinosaur inhabited the planet earth. उदाहरण के तौर पर लाखों साल पहले डायनासोर या इस धरती पर रहते थे या इस धरती पर निवास करते थे. बट टुडे दे डू नॉट सर्वाइव एज दे कुड नॉट एडजस्ट टू देयर चेंजिंग सराउंडिंग. लेकिन आज भी जीवित नहीं है क्योंकि वे अपने आसपास के बदलते अस्तित्व में नहीं थे या बदलते अस्तित्व में नहीं रहे. जैसे जैसे उनका वहाँ का आसपास का वातावरण चेंज हो रहा था, उस चेंजिंग में वो ढल नहीं पाए, इसलिए वो ख़त्म हो गए. हैंस दे आर कंसिडर्ड टू बी एक्सटिंक्ट. अतः उन्हें हम विलुप्त जानवर कहते हैं या उन्हें विलुप्त जानवर हम समझते हैं कि हाँ वो ख़त्म हो चुके हैं. नाउडे हंटिंग हैज़ कॉज्ड द एक्सटिंक्शन ऑफ सेवरल एनिमल्स. आजकल हंटिंग मीन्स होता है शिकार करना. शिकार की वजह से कई जानवर जो होते हैं वो विलुप्त हो गए हैं, ये इसका एक कारण हो गया है. पहले तो ये था कि हाँ बदलते वातावरण को वो अपने आप को ढल नहीं पाए, इसलिए वो ख़त्म हो गए. लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि आजकल शिकार हो रहा है कुछ ऐसे जानवरों का जिससे कि वे विलुप्त हो गए हैं या ख़त्म होने के कगार पे हैं, ख़त्म हो गए. डोडो ऑफ मॉरिशस, डोडो ऑफ मॉरिशस एंड पैसेंजर पिंजन पिजन्स आर नाउ एक्सटिंक्ट ड्यू टू देयर हंटिंग. मॉरिशस के जो डोडो थे और जो यात्री कबूतर थे जो पहले एक जगह से दूसरी जगह किसी सामान को किसी चीज़ को लेके जाया करते थे, वे क्या हो गए हैं, हंटिंग की वजह से क्या हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं. उनका शिकार करने की वजह से वो आज अब वो ख़त्म हो चुके हैं या है नहीं, दिखाई नहीं देते. मोर ओवर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इन लार्ज नंबर इज अनदर कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल्स. अत्यधिक हैबिटेट मतलब अत्यधिक निवास स्थान बन जाने की वजह से इनका विनाश बहुत ज़्यादा नंबर से, बहुत ज़्यादा संख्या में इनका विनाश होना स्टार्ट हो गया या फिर ये कह लो ये ख़त्म होना स्टार्ट हो गया. कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल, ये एक और कारण है जिसकी वजह से एनिमल एक्सटिंक्स हो गए यानी कि विलुप्त हो गए. कंजर्वेशन ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल, इनका संरक्षण केंद्र, जानवरों का जो विलुप्त हो चुके हैं जानवर उनका संरक्षण कैसे करें. दस वी शुड बी अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड टेक मेजर्स टू प्रिजर्व द एंडेंजर्ड स्पीसीज द एनिमल्स लाइकली टू गेट एक्सटिंक्ट. इस तरह हमें उन जो वाइल्ड लाइफ जानवर हैं की इम्पोर्टेंस है यानी कि जंगली जानवरों की इम्पोर्टेंस से अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए एंड टेक मेजर्स और उनका मेजर्स करना चाहिए टू प्रिजर्व द एंडेंजर्ड स्पीसीज. उन विलुप्त होने वाले या जो खतरे के निशान में हैं जानवर या जातियां, जानवरों की जातियां जो खतरे के निशान पर हैं उनका संरक्षण करना चाहिए और उनका माप लेते रहना चाहिए कितने हैं, कितने बचे हैं, कितने और ख़त्म हो गए, कोई बीमारी से तो नहीं ख़त्म हो गया, जो भी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं उनके लिए. ठीक है, सम ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीसीज आर टाइगर, वाइल्ड बफेलो, स्नो लेपर्ड, वाइल्ड लियाक, मस्कडेयर एक्सेट्रा. खुद जो खतरे के निशान में जानवर हैं या जातियां हैं उनमें हैं टाइगर, वाइल्ड बफेलो, स्नो लेपर्ड, वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लियाक, मस्कडेयर. ये सब क्या हैं, खतरे के निशान में हैं और इनको हमें संरक्षण करना चाहिए, प्रिजर्वेशन करना चाहिए या कंजर्वेशन करना चाहिए. मैनी नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज हैव बीन सेट अप ऑल ओवर द वर्ल्ड टू प्रोटेक्ट दीज एंडेंजर्ड स्पीसीज. कई नेशनल पार्क, सेंचुरीज माने अभ्यारण्य, सेंचुरीज माने अभ्यारण्य होता है, नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं और उनके लिए अभ्यारण्य बनाए गए हैं या सेटअप किए गए हैं पूरे वर्ल्ड में इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, संरक्षित करने के लिए इन स्पीसीज को जो एंडेंजर्ड हो रही हैं, जो खतरे के निशान पर चल रही हैं, जिनके बहुत कम जानवर बचे हैं, उनको क्या कर रहे हैं, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उनका प्रोडक्शन कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो संख्या में आ सके. कंजर्वेशन मीन्स होता है
प्रकृति की कोई चीज़ को हम संरक्षित करते हैं तो कंजर्वेशन कहते हैं। प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि जब हम प्रकृति की या हम कोई ऐसी बिल्डिंग वगैरह है, कोई ऐसी मापन करते हैं, कोई चीज़ करते हैं तो उसको हम प्रिजर्व करते हैं। ठीक है सो गाइस, आज का ये होमवर्क यहाँ पे ख़त्म हो गया है। आज की ये पूरी क्लास मतलब पूरा जो चैप्टर है आज हम फिनिश कर चुके हैं। सो टुमारो आई विल सेंड यू ओरल आंसर एंड एक्सरसाइज एंड आफ्टर टुमारो आई विल सेंड यू लॉन्ग आंसर। सो वी विल कम्प्लीट होल द चैप्टर ऑफ थर्ड एंड होल द सिलेबस विच इज़ कमिंग योर फर्दर एग्जामिनेशन। ओके सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।